हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम क्या है, टेक्नो अंसारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप काइनमास्टर में कोई वीडियो को दोस्तों एक्सपोर्ट करते हैं तो दोस्तों ऐसा आपके साथ जरूर होता होगा कि जो उसकी साइज़ है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उसी के साइज़ को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे और दोस्तों क्वालिटी का ध्यान रखेंगे कि ख़राब ना हो। तो दोस्तों वीडियो में आपको पूरा बने रहना है। तो दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, लेट्स स्टार्टेड। तो गाइज हम चलते हैं अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन में। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक वीडियो ले रखा है अपना, अभी इसी को दोस्तों मैं आपको एक्सपोर्ट करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे चले जाते हैं हम शेयर में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इस प्रकार से ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों पहली सेटिंग जो आपको करनी है वो ये है कि आपको दोस्तों मान के चलो अगर आपने जो वीडियो बनाया ओरिजिनल वो 720 पिक्चर है यानी कि HD है और आप उसको दोस्तों फुल HD में एक्सपोर्ट करेंगे तो दोस्तों आपको कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्वालिटी दोस्तों आपकी वही रहेगी, बाकी आपका जो साइज़ है एक्सपोर्ट का वो बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो रिकॉर्डिंग करी है उसका दोस्तों जो ओरिजिनल साइज़ है उसको ही दोस्तों आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन में दोस्तों सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं फ्रेम रेट की। फ्रेम रेट दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी ले लेता है, जैसे कि 25 पाल ले रखा है दोस्तों इसने, तो नीचे 24 सिनेमा है और भी कम है नीचे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1080 पिक्चर में जो 30 वाला होता है ना, 30 ये होता है बेस्ट। अगर दोस्तों आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ऑप्शन दोस्तों आप कहाँ से इनेबल कर सकोगे। तो पहले मैं दोस्तों पीछे जाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको सेटिंग में चले जाना है और लास्ट में एक ऑप्शन है एडवांस एंड एक्सपेरिमेंटल सेटिंग, इसमें दोस्तों आपको चले जाना है। यहाँ पे दोस्तों आपको कर देना है कंटिन्यू। तो गाइज आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी है, जैसे कि अलाउ एक्सपोर्ट फ्रेम रेट अप टू 60 FPPS, अलाउ इम्पोर्ट फ्रेम रेट अप टू 240 FPPS। तो इसको हमने दोस्तों यहाँ से ऑन कर रखा है तो आपको भी दोस्तों इसको ऑन कर लेना है। और दोस्तों आपको यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन दिख रहा होगा अनलिमिटेड वीडियो लेयर मोड, इसको भी दोस्तों आपको ऑन कर लेना है। ये दोस्तों काफ़ी बढ़िया फीचर हो जाएगा, आप इससे दोस्तों अनलिमिटेड यहाँ पे लेयर लगा सकते हो, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। लेकिन दोस्तों इससे एक्सपोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ से दोस्तों पीछे। अब मैं दोस्तों फिर से चलता हूँ अपने वीडियो के शेयर में। अब मैं आपको आपका दोस्तों अब यहाँ पे ऑप्शन आ चुका होगा 30, 48, 50, 60, मतलब हाइगर आपका फ्रेम रेट यहाँ पे आ चुका होगा। तो दोस्तों आपको 30 लेना है। अब इसके बाद दोस्तों आपको मेन सेटिंग के ऊपर ध्यान रखना है, वो ये है कि दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिट रेट दोस्तों अभी इसका 18 MPPS है बाई डिफ़ॉल्ट। और नीचे दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा होगा अबाउट साइज़ कितना लेगा, ये हमारा 8 मिनट का दोस्तों ये वीडियो है और ये साइज़ ले रहा है 975 MB। तो दोस्तों अब क्या करना है, हमें इसके बिट रेट को दोस्तों हमें घटाना है। कितना कम करना है आपको दोस्तों, इसको करीब रख लेना है 10 MBPS के करीब। दोस्तों 10 MBPS के आप करीब रखोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिख गया होगा कि इसकी आधी साइज़ कम हो गई है और दोस्तों इसकी जो क्वालिटी है उसमें भी दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अब इसको करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली इसको एक्सपोर्ट पे लेके जाना है। इस सेटिंग से दोस्तों क्या होने वाला है, इस सेटिंग से दोस्तों ना तो आपकी क्वालिटी है जो वीडियो की वो भी नहीं गिरेगी और दोस्तों जो आपकी एक्सपोर्ट की स्पीड है काइनमास्टर की वो भी दोस्तों बरकरार रहेगी, मतलब फास्ट आपकी एक्सपोर्ट होगी। और वहीं दोस्तों जो आपका साइज़ है यानी कि दोस्तों आपका जो फुटेज है उसका दोस्तों जो साइज़ है वो कम हो जाएगा। वहीं दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा दोस्तों वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। वीडियो को अच्छा लगने पर लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना दोस्तों आपको जाना नहीं है।